हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं बना रही हूँ मठरी, जो बहुत ही आसानी से बना के हम तैयार करेंगे। इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, और ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, एकदम खस्ता बनी है, और बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, आप ज़रूर बनाएं इसे इस होली पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है। आप इसकी जगह 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं इसे केवल। अब हम लेते हैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल के डालेंगे। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी हम इस तरह से मसल अच्छे से क्रश करके डालेंगे इसमें, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। अब हम थोड़ा सा बीच में गैप करेंगे इसमें, इस तरह से जगह बनाएंगे। अब हम लेते हैं इसमें क्रिस्पनेस के लिए घी। तो मैंने आधा कप घी लिया है। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और घी सारा डाल दिया है मैंने। अब हम इसे हाथों से अच्छे से खूब मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए, बाइंडिंग बनाएंगे इसका इस तरह से, तो वो ये बॉल्स बन रही है। अब हम दूध लेते हैं, तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है। दूध से इसका आटा लगाएंगे। हम इसका आटा पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें इसे स्टोर करके रखना होता है 10 से 15 दिन के लिए, तो ये दूध से और अच्छे से रख सकते हैं हम इसे। ये दूध से ख़राब नहीं होगा, दूध से आटा लगाने में। तो ये देखिए, इसे हम एकदम टाइट भी नहीं लगाएंगे और एकदम सॉफ्ट भी नहीं करेंगे, इस तरह का आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। ये आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अब हम इसमें 10 मिनट हो गए हैं, तो चेक करते हैं इस तरह से। और इसे हम थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएं या घी लगाएं, छोटी छोटी लोई बनाएंगे, अपनी मनपसंद अनुसार मठरी बनाएंगे इसके बाद हम। ये देखिए, जैसे आपको पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं पहले इस तरह से बनाऊंगी, हल्का सा इसे बेल लूंगी। ये देखिए, इसे हम ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे एकदम, और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो आपको जैसा शेप देना है आप दे सकते हैं, गोल या ओवल, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको इतना पतला रखा है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और हल्का सा इसे हम इस तरह से दबा देंगे, या तो हम हल्का सा इस तरह से बेल लेंगे इसे। और ये देखिए, हम इसे बीच में काट के इसके 2 पीस भी बना सकते हैं और 1 ही पीस भी रख सकते हैं। तो मैं 1 ही पीस रख रही हूँ अभी। और अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा इस तरह से बनाएंगे हाथों से। ये देखिए, इसको हम हाथों से ही बेल के इतना मोटा रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसे हाथों से दबाते हुए इसे बिल्कुल इस तरह से तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम रख लेते हैं, और इसी तरह से हम और भी बना लेके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो आप इसे के बाद इसे थोड़ा बड़ा करें और इसे बर्फी के शेप में भी बना सकते हैं। तो ये मैं फटाफट इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैंने ये इतनी सारी मठरी बना के तैयार कर ली है। अब आपको जैसे पसंद है आप बना सकते हैं। तो मैंने ये अलग अलग शेप के बनाए हैं, कुछ इस तरह से और कुछ छोटे बड़े। अब इधर मैंने तेल गर्म होने को रखा था। तेल अच्छे से गर्म है और गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसमें हम जितनी मठरी आती हैं एक बार में डाल लेते हैं। तो मैंने पहले बड़ी बड़ी डाली हैं इस तरह से। ये देखिए, इन्हें हम 2 मिनट के बाद हल्का सा पलट लेंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक का दोनों तरफ से लो फ्लेम में इनको हम सेक लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, और बहुत ही अच्छे से ये पक भी गई हैं। और इसी तरह से हम और सारी मठरियों को भी बना के तैयार कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, हाई ना करें, नहीं तो ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। ये देखिए, ये सारी मठरियों को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, सारी मठरी बना के तैयार कर ली है।
और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो गई है। देखिए तो आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। आप इसे बना के 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप पानी से आटा गूंथते हैं तो इसे 2 से 3 दिन तक ही रख सकते हैं हम, फिर उसके बाद ख़राब हो सकते हैं ये। और हम इसे इस तरह से दूध से आटा लगा के तैयार करेंगे तो इसे हम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, और अब हम इसे एक तरह तोड़ते हैं तो ये बहुत ही आसानी से क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना।